में नवीन व्यवहार न्यायालय का किया गया ऑनलाइन ई शिलान्यास। मालथौन नगर को मिली अनोखी सौगात। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के अथक प्रयासों से व्यवहार न्यायालय मालथौन को मिली नवीन बिल्डिंग। यह बिल्डिंग 9 करोड़ 18 लाख की लागत से बनवाई जाएगी, जिसमें 2 वर्ष के कार्यकाल में बिल्डिंग का होगा निर्माण। नवीन व्यवहार न्यायालय का ऑनलाइन ई शिलान्यास मुख्य न्यायाधीश के करकमलों द्वारा माननीय श्री संजय यादव, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर। न्यायालय बिल्डिंग का भूमिपूजन किया गया, बताएं सर इसमें क्या विशेषता है? आज मालथौन में सागर जिले में नवीन व्यवहार न्यायालय बिल्डिंग का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है, और इसका शिलान्यास का जो कार्यक्रम है अपने आप में अनूठा इसलिए है कि आज न केवल मालथौन में शिलान्यास हुआ है, और वो भी कोविड के काल में, चूँकि प्रैक्टिकली यहाँ आना संभव नहीं था सभी बड़े अधिकारियों का, तो आज माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री मित्तल साहब द्वारा ई इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ जो पर्दा लगाया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, वहाँ से उन्होंने रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसको उठाया है और यहाँ पर्दा उठा है, और इस तरह से ये एक अनूठी पहल है। मालथौन में जो बिल्डिंग बनने जा रही है वो 3 मंजिला बिल्डिंग होगी, जिसमें कि 2 कोर्ट रूम होंगे, और कोर्ट रूम के अलावा अभी तक जो सुविधाएं तहसील कोर्ट बिल्डिंग में नहीं हुआ करती थी, वो सारी की सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। जैसे दिवा शिशु कक्ष, जैसे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं आती हैं, दवाई वाई देने आना पड़ता है कई बार, तो छोटे बच्चों को कहाँ बिठाएं, तो उनके लिए एक शिशु कक्ष रहेगा, कैंटीन की सुविधा रहेगी, पोस्ट ऑफिस की सुविधा रहेगी, जो गवाह आते हैं उनको गवाहों के बैठने का वेटिंग एरिया रहेगा, पिटीशन राइटर्स जो हैं उनको बैठने की प्रॉपर जगह रहेगी, फोटोकॉपी मशीन के लिए एक अलग से व्यवस्था रहेगी। हमारे जो कॉपिंग सेक्शन है वो तो अलग रह ही है, इसके अलावा फोटोकॉपी जो मशीन के लिए भी अलग से व्यवस्था रहेगी, और जो बार रूम में जो काम करने के लिए पिटीशन लिखने वाले जो बार के टाइपिस्ट हैं उनके भी व्यवस्था रहेंगे, जो सरकारी ADPO रहते हैं उनके लिए भी अलग से पेट रूम की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से जो हमारी बिल्डिंग है इसमें सारी बेसिक फैसिलिटीज़ दी गई हैं, और ये हमारी 3 मंजिला बिल्डिंग होगी, जिसमें कुछ चीज़ें नीचे रहेंगी, कुछ फर्स्ट फ्लोर रहेंगी और कुछ सेकेंड फ्लोर रहेंगी, तो बिल्डिंग जो है वो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनेगी ऐसा उम्मीद है। इस बिल्डिंग को बनने में जो बजट सेंक्शन हुआ है वो 9 करोड़ 18 लाख रुपए का है, और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो है 2 साल की, 24 महीने, तो आज से इसकी शुरुआत हुई है, तो 24 महीने के अंदर अंदर ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। आज न केवल मालथौन में ई इनॉग्रेशन हुआ है, बल्कि पूरे प्रदेश में 8 जगह पे तो कोर्ट बिल्डिंग, जिसमें से 2 तो मुख्य मेन कोर्ट जिला लेवल की कोर्ट बिल्डिंग हैं, जिसमें से सिंगरौली है और एक नीमच है, तो नीमच अभी नया जिला बना था, सिंगरौली भी नया जिला बना था, तो वहाँ रेगुलर कोर्ट बिल्डिंग नहीं थी, तो आज उसका उद्घाटन हुआ है। और दूसरा, बाकी जो तहसीलों पे हमारा अलग अलग जगह पर तहसीलों की बिल्डिंग का शिलालेख लगाए गए हैं और काम शुरू होगा। इसके अलावा 7 जगह पे ADR सेंटर कहलाते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, तो उनका भी आज ही शुरुआत हो रही है, और इस तरह से टोटल 15 जगह पे ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम की एक बहुत ही भव्यता इससे लगाई जा सकती है कि आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशगण, जिनमें से कि अपने खानविलकर साहब हैं और जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब हैं, वो भी जुड़े थे, और एक और सबसे वरिष्ठ जो अपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मध्य प्रदेश कैडर से गए हैं, श्री अरुण मिश्रा जी,
जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए हैं और मूलतः वो अपने मध्यप्रदेश के ही हैं, तो उनका भी इस आज हम लोगों के साथ में कनेक्शन हुआ है और उन्होंने भी आज पूरे प्रदेश के न्यायाधीशगढ़ को संबोधित किया है और आज के इस कार्यक्रम को उन्होंने बहुत ही अनूठा बताया है। जैसा कि आज आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये COVID-19 की पेंडेमिक को देखते हुए बहुत सुरक्षित तरीके से आयोजित हुआ है, लेकिन काम की गति न रुके इसलिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना अब अनिवार्यता हो गई है। अब आने वाला वक्त जो है किसी तरह के कार्यक्रमों की अपेक्षा करेगा। आज यहाँ सब जो कार्यक्रम हुआ है ये बहुत अनूठा कार्यक्रम है और मुझे उम्मीद है कि मालथौन नगर के लोगों को अब आने वाले समय में एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग मिलेगी और हमारे न्यायाधीश का जो बंगला है वो तो दिसंबर में ही कंप्लीट होने की हम लोगों को पूरी उम्मीद है। थैंक यू।